ये आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ये कन्वोल्यूशनल, ये बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई ऐसी यानी कि साइंटिफिक चीज नहीं है कि हम कहें कि कोई मेडिकल डेटा सेट यूज हुआ है या फिर कोई इस तरह की चीज यूज हुई है कि जो आपको समझ ना सके। ये सिंपल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। ये क्या होता है, इसमें लेयरें कौन कौन सी होती हैं, ये आपको सिंपल इंट्रोडक्शन है। इसका एब्स्ट्रैक्ट देख लेते हैं। द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग हैज टेकन अ ड्रामेटिक ट्विस्ट इन द रिसेंट टाइम्स विद द राइज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। दीज बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड कंप्यूटेशनल मेथड्स आर एबल टू फार एक्सीड्स द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कॉमन मशीन लर्निंग टास्क। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव फॉर्म ऑफ एएनएन आर्किटेक्चर इज दैट ऑफ द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अगर आपने कहीं पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को पढ़ा, ये सिंपल सा आर्किटेक्चर होता है, तो ये इसी की ही अपडेटेड फॉर्म है, सीएनएन, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आर प्राइमरीली यूज्ड टू सॉल्व डिफिकल्ट इमेज ड्रिवन पैटर्न रिकॉग्निशन टास्क एंड विथ देयर प्रिसाइज येट सिंपल आर्किटेक्चर ऑफर्स ए सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ गेटिंग स्टार्टेड विथ एएनएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यानी कि जो इमेज इमेजेस की हम अगर बात करें तो उसमें जो पैटर्न रिकॉग्निशन के जो टास्क होते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर फॉर एग्जांपल ट्यूमर रिकॉग्निशन है या फिर फेस रिकॉग्निशन प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिंपल से प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर आपका थंब रिकॉग्निशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, आप जाते हैं किसी, आप भी कई अदारों में इस तरह पढ़ाते भी होंगे या फिर काम करते होंगे कि आपकी अटेंडेंस जो होती है वो थ्रू थंब रिकॉग्निशन होती है, तो आप थंब लगाते हैं तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स बनते हैं वो उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है या इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनके सॉल्यूशन के लिए सीएनएन को यूज किया जाता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को भी यूज किया जाता है। सो दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सीएनएन। इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सीएनएन का, सीएनएन के अंदर होता क्या है और ये किस तरह काम करते हैं, एक लेयर से दूसरी लेयर जाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। सो डिस्कसिंग रिसेंटली पब्लिश पेपर्स एंड न्यूली फॉर्म टेक्निक्स इन डिवेलपिंग दीज ब्रिलियंटली फैंटास्टिक इमेज रिकॉग्निशन मॉडल्स, दिस इंट्रोडक्शन एज्यूम्स यू आर फेमिलियर विद द फंडामेंटल ऑफ एएनएन एंड मशीन लर्निंग। यानी कि आपको थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए मशीन लर्निंग के साथ इस पेपर को पढ़ने के लिए। ये नहीं है कि आपको मशीन लर्निंग यानी कि फुली आप मास्टर्स हों उसमें तो आप उसको पढ़ सकते हैं, यानी कि इसके लिए आपको सिंपली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। वो ये होता है, मैं अभी बता देता हूँ कि उसमें सिंपली इनपुट लेयर होती है, उसमें हिडन लेयर होती है, हिडन लेयर में कुछ वेट्स अपडेशन होती है, और फिर आउटपुट लेयर होती है। आपको जो इनपुट जाती है उसके पैटर्न्स बनते हैं हिडन लेयर के दौरान। और इसका आर्किटेक्चर अगर देखें एएनएन का, तो ये वाला होता है कि ये इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है और ये आउटपुट लेयर है। बेसिकली जो हिडन लेयर होती है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं, ये हिडन न्यूरॉन्स भी इनको हम कहते हैं। और जो इनपुट लेयर होती है, ये इनपुट लेयर में हम फीचर्स इसको इनपुट करते हैं। फीचर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं जो कि आपकी इमेज के अंदर, हम इमेज की ही बेसिकली बात कर रहे हैं, या फिर आप वॉइस की भी बात कर सकते हैं। तो वॉइस के भी इसी तरह ही फीचर्स होते हैं जो कि नंबर्स की फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में या फ्लोटिंग पॉइंट की फॉर्म में आ रहे होते हैं, उनको हम इनपुट करते हैं। और फिर यहाँ पे वेट अपडेशंस वगैरह और वो सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो हिडन लेयर के दौरान होती हैं। और फिर जो आउटपुट आती है वो क्लासेस की फॉर्म में आती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारी दो क्लासेस हैं, एक क्लास है करेक्टर रिकॉग्निशन की, हम अगर बात करें एक और दो को अगर हमने, या फिर नाइन तक करेक्टर्स हैं, जीरो से नाइन तक उनको हमने रिकॉग्नाइज करना है। तो जीरो से स्टार्ट होंगे तो नाइन तक हमारी कितनी क्लासेस बनी है, हमारी 10 क्लासेस बनी है। जो हमारी आउटपुट होगी वो 10 आएगी, यानी कि या तो वो जीरो, अगर वो क्लास नाइन से बिलोंग करता है वो करेक्टर, तो क्लास नाइन जो होगी वो वन हो जाएगी, बाकी जो क्लासेस होंगी जीरो से लेके एट तक वो जीरो ही रहेंगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को जो हमने इनपुट दी है, जो फीचर्स इनपुट किए हैं, वो हिडन लेयर के दौरान क्या हुआ है, कुछ कैलकुलेशंस हुई हैं, उसने फाइंड आउट किया है कि कौन सा ये करेक्टर है। अगर तो वो करेक्टर नाइन है तो उसकी आउटपुट में क्या आ जाएगा, नाइन में वन आ जाएगा, बाकी क्लासेस में जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है,
अगर हम करेक्टर रिकॉग्निशन की बात करें तो उसमें हमारी जो टोटल आउटपुट क्लासेस होंगी वो 10 होंगी, 0 से लेके 9 तक वो रिकॉग्नाइज करता है। तो ये सिंपल यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, उसका आर्किटेक्चर मैंने आपको बता दिया है, इस तरह होता है। और CNN जो है वो उसी की ही एडवांस फॉर्म है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है। अब हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग सिस्टम्स ऑफ व्हिच आर हेवीली इंस्पायर्ड बाय वे बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम। जो हमारा बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम होता है उससे बिल्कुल सेम ही होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिस तरह मैंने ये आर्किटेक्चर आपको दिया है। हमारे भी ब्रेन में कुछ इनपुट्स आती हैं और फिर इसी तरह कैलकुलेशंस होती हैं जो हिडन लेयर्स की फॉर्म में, और इसी तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी क्या करता है, आउटपुट देता है रिकॉग्नाइज करके। आप किसी चीज को देखते हैं, सेब है या फिर कोई और चीज है, आप उसको जब देखते हैं पहली नजर में देखते ही आप कुछ अंदाजे लगाने शुरू कर देते हैं, इनपुट्स जब आती हैं आपको, और फिर हिडन जो आपका जो लेयर है उसमें क्या होता है, उसके कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, और फिर आप आउटपुट जनरेट करते हो। यानी कि आप देखते ही थोड़ी देर के लिए फ्लश, यानी कि आप मिलियंस टाइम्स आप कह लें सेकंड का, लेकिन कुछ तो सोचते हैं कि ये चीज क्या है। तो जब आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आपकी आउटपुट एकदम आपके दिमाग में आ जाती है। तो यही जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो बिल्कुल हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसी तरीके से काम करता है। सच एज द ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट एन आर मेनली कंप्राइज्ड ऑफ ए हाई नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटेशनल नोड्स। जो इंटरकनेक्टेड जो कंप्यूटेशनल जो नोड्स होती हैं उस पर वो बेस करता है, हिडन लेयर्स उसको हम कहते हैं। ये है इनपुट लेयर, ये है हिडन लेयर और ये आउटपुट लेयर। The hidden layers will then make decisions from the previous layer and weigh up how a stochastic change within itself determines or improves the final output. यहाँ पे जो सारी calculations होती हैं यहाँ पे होती हैं, कोई भी statistical या stochastic calculations हैं यहाँ पे होती हैं, और फिर decision लिया जाता है output के लिए। And this is referred to as the process of learning. इसको हम learning कहते हैं basically. Having multiple hidden layers stacked upon each other is commonly called deep learning. Deep learning और simple artificial neural network में फर्क यह है कि यहाँ पे hidden layers जो हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, काफी सारी hidden deep बना दिया जाता है इस system को, तो इसीलिए हम उसे deep learning कहते हैं। और ये जो CNN जो है, जो चीज है CNN जो model है हमारा, ये algorithm जो है वो क्या है, ये deep learning का ही एक आप कह लें कि subset है। तो जो हमने डीप लर्निंग के सबसेट्स पढ़ने हैं उनमें एक तो CNN को डिस्कस करना है, एक हमने ऑटो इनकोडर को डिस्कस करना है अगर हमारे पास टाइम हुआ तो, और एक DBN को, डीप बिलीफ नेटवर्क को हमने डिस्कस करना है। ये तीन चीजें हमने इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। ए सिंपल थ्री लेयर्ड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ये कौन सा है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। इसको क्यों कहा गया है, आप देख सकते हैं कि जो इनपुट लेयर से हिडन लेयर की तरफ जो आपको रेज नजर आ रही हैं, ये जो तीर के निशान नजर आ रहे हैं, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की एग्जांपल है। कंप्राइज्ड ऑफ ए इनपुट लेयर, ए हिडन लेयर एंड एन आउटपुट लेयर, दिस स्ट्रक्चर इज द बेसिक ऑफ द नंबर ऑफ कॉमन ANN आर्किटेक्चर। ये जो आपको नजर आ रहा है ये कॉमन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है, इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड टू द फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। यानी कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की और भी काफी सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन ये वाली एग्जांपल भी जो है वो क्या है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की है। रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन्स एंड द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, इन चीजों को हमने रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन को बाद में डिस्कस करना। द टू की लर्निंग पैराडिग्म्स इन इमेज प्रोसेसिंग टास्क आर सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मशीन लर्निंग में जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें दो पैराडिग्म्स आते हैं, एक सुपरवाइज्ड है और एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज ए लर्निंग थ्रू प्री लेबल्ड इनपुट्स। जो हमारी इनपुट्स आती हैं यहाँ पे उनको हम लेबल करके देते हैं, तो वो कौन सी इनपुट्स होती हैं, वो हमारी वो जो लर्निंग होगी वो हमारी सुपरवाइज्ड लर्निंग होगी। व्हिच एक्ट एज ए टारगेट्स फॉर ईच ट्रेनिंग एग्जांपल, देयर विल बी अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज एंड वन और मोर एसोसिएटेड designed output values. The goal of this form of training is to reduce the model's overall classification error through correct calculations of the output values of the training examples by training.
जो यहाँ पे आपने जो चीज याद रखनी है, जो आपसे मैं पूछ भी सकता हूँ, ये जो सुपरवाइज लर्निंग है वो क्या होती है? सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली जब हम लेबल्स के साथ डेटा को पास करते हैं न्यूरल नेटवर्क को, तो वो जो लर्निंग होगी वो क्या होगी? सुपरवाइज लर्निंग होगी. और जो अनसुपरवाइज्ड डिफर्स इन दैट द ट्रेनिंग सेट डज नॉट इंक्लूड एनी लेबल्स. जो अनसुपरवाइज्ड जो लर्निंग है उसमें हम ट्रेनिंग के दौरान लेबल्स जो होंगे वो नहीं देंगे, उसे ये नहीं बताएंगे कि ये लेबल जो है वो 1 का है, 2 का है, 3 का है. जिस तरह हम करेक्टर रिकॉग्निशन की अगर बात करते हैं तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि उसे बताएंगे नहीं, सुपरवाइज में उसे बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यहां से हमने रोड पे जाना है, तो मैं आपको सुपरवाइज करता हूँ, यहाँ से बाहर निकलोगे, राइट साइड से होते हुए लेफ्ट मुड़ोगे तो आपको रोड नजर आ जाएगा. लेकिन जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है इसमें फ्रीली छोड़ दिया जाता है, आपको ये नहीं बताया जाता कि रोड किस तरफ है. तो यानी कि सुपरवाइज लर्निंग में आपको बेसिकली क्या किया जाता है? फ्रीली सॉरी सुपरवाइज किया जाता है. और अनसुपरवाइज लर्निंग में आपको लेबल्स नहीं दिए जाते, सुपरवाइज नहीं किया जाता. तो अब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है? आर द एनालॉजस टू ट्रेडिशनल एएनएनस इन दैट दे आर कंप्यूटराइज्ड ऑफ न्यूरॉन्स दैट सेल्फ ऑप्टिमाइज्ड थ्रू लर्निंग. ईच न्यूरॉन विल स्टिल रिसीव एन इनपुट एंड परफॉर्म एन ऑपरेशन सच एज ए स्केलर प्रोडक्ट फॉलोड बाय ए नॉन लीनियर फंक्शन द बायस ऑफ द काउंटलेस एएनएनस फ्रॉम द इनपुट रॉ इमेज वेक्टर्स टू द फाइनल आउटपुट ऑफ द क्लास स्कोर्स the entire of the network will still express a single perceptive score function the weight. इसको हम क्या कहते हैं? weights होते हैं, जो कि हम add करते हैं अपनी जो inputs होती हैं उनके साथ हम add करवाते हैं, उनको हम weights कहते हैं. the last layer will contain last function associated with the classes. जो last जो layer होती है वो क्या होती है? last जो layer होती है उसमें कितनी error आई है उस चीज को वो define करती है, उसके साथ वो एसोसिएट होती है. वो लास्ट फंक्शन जो होता है वो लास्ट लेयर के साथ एसोसिएट होता है. ये चीजें आपको थारोली पढ़नी है. ये मैं बता देता हूं कि जो लास्ट लेयर होती है विल कंटेन लास्ट फंक्शन एसोसिएटेड विद क्लासेस, जो आपकी क्लासेस होती हैं उसके साथ रिलेट होती है. क्लासेस का मैंने आपको बताया है कि जिस तरह हमने 0 से 9 तक करेक्टर को रिकॉग्नाइज करवाना है, तो उसमें जो लास्ट लेयर है वो हमारी आउटपुट जो लेयर है, क्लासेस वाली लेयर जो है उसमें एसोसिएट क्या चीज होती है? आपका लास्ट फंक्शन जो होता है वो एसोसिएट होता है. एंड ऑल ऑफ द रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स डेवलप्ड फॉर ट्रेडिशनल एएनएन स्टिल अप्लाई. द ओनली नोटेबल डिफरेंस बिटवीन सीएनएन एंड ट्रेडिशनल एएनएन इज द सीएनएन आर प्राइमरीली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन विद इन इमेजेस. दिस अलाउज अस टू इनकोड इमेज स्पेसिफिक फीचर्स इनटू द आर्किटेक्चर मेकिंग द नेटवर्क मोर सूटेड फॉर इमेज फोकस्ड टास्क व्हाइल फर्दर रिड्यूसिंग द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू सेट अप द मॉडल. One of the largest limitations of the traditional forms of ANN. ANN की यहाँ पे क्या चीज जो के limitations हैं वो क्या हैं? Is that they tend to struggle with the computational complexity required to compute image data and common machine learning benchmarks datasets such as MNIST datasets. ये MNIST datasets जो हैं ये मेरे ख्याल में मैंने शायद जो हमारी क्लास होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसमें मैंने ये एग्जांपल भी करवाई है. अगर टाइम हुआ तो मैं आपको ये एग्जांपल भी करवा दूंगा ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आ सके. तो ये एक बेसिकली एक डेटा सेट होता है एमएनएस डेटा सेट जो कि करेक्टर रिकॉग्निशन के लिए जो नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक उनकी रिकॉग्निशन के लिए ये यूज होता है. ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स आर सूटेड फॉर मोस्ट फॉर्म ऑफ एएनएन ड्यू टू इट्स रिलेटिवली स्मॉल इमेज डायमेंशनलिटी ऑफ जस्ट 28x28. इसकी इमेज की डायमेंशंस क्या होती हैं इस एमएनएस के डेटा की? 28x28 उसका साइज होता है. विद दिस डेटा सेट ए सिंगल न्यूरॉन इज द फर्स्ट हिडन लेयर विल कंटेन 784 वेट्स. जो पहली लेयर के दौरान जो वेट्स बनते हैं वो कितने बनते हैं? 784 बनते हैं. वो किस तरह बनते हैं? ट्वेंटी एट जरब देंगे 28 के साथ, तो टोटल जो वेक्टर हमारे पास बनता है वो 784 का बनता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हिडन लेयर होती है फर्स्ट हिडन लेयर वो कितने 784 वेट लेके जाती है. वी आर वन बियर इन माइंड दैट एमनेस्ट इज नॉर्मलाइज्ड टू जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट. ये जो वन आपको नजर आ रहा है ये इसलिए नजर आ रहा है कि आपका जो डेटा है
28x28 ये आरजीबी इमेज नहीं है बल्कि ग्रे स्केल इमेज है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट आपको तस्वीर देती है, जीरो या वन की फॉर्म आपको वैल्यूज देती है, विच इज मीनिंग एबल फॉर मोस्ट फॉर्म ऑफ एएनएन. If you consider a more substantial colored images input of 64x64, the number of weights on just a single neuron of the first layer increases substantially to 12 to 88. ये किस तरह बनते हैं? अगर आपके पास जो इनपुट है वो अगर 64x64 की है तो जो आपके नंबर ऑफ वेट्स होंगे, जो आपके नंबर ऑफ वेट्स होंगे वो सिंगल न्यूरॉन के of first layer increases substantially to 12 to 88. Also take into account that to deal with this scale of inputs. ये चीजें आपको ये weights के बारे में इतनी ज्यादा information रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पे ये देखना है कि ANN basically क्या होता है और CNN यहाँ पे क्या होता है और CNN को detail में देखना है कि उसकी layers कौन सी होती है. अब जो overfitting है, basically overfitting क्या होती है, but why does it matter? Surely we could just increase the number of hidden layers in our network and perhaps increase the number of neurons within them. The simple answer to this question is no. This is down to two reasons. One being the simple problem of not having unlimited computational power and time to train these huge ANNs. The second reason is stopping or reducing the effects of overfitting. Overfitting is basically when a network is unable to learn effectively due to the number of reasons. It is an important concept of most, if not all, machine learning algorithms, and it is important that every precaution is taken as to reduce its effect. If our model were to exhibit signs of overfitting, then we may see a reduced ability to pinpoint generalized features for not only our training data set but also our test and prediction sets. Jo overfitting ke jo problems aate hain, jo aapki premature convergence ho jati hai, yani ke aapka system accuracy ki taraf ja raha hai, ekdam wo niche ki taraf decline ho jata hai, to us jo wo jo problems hoti hain wo overfitting ki problems aati hain. This is the main reasons behind reducing the complexity of our ANN, the less parameters required to train. यानी कि इसके लिए ओवरफिटिंग से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? ओवरफिट हम इस चीज को कहते हैं कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा ट्रेन कर लें, बहुत ज्यादा उसकी किसी चीज की ट्रेनिंग कर लेते हैं जब, तो वो क्या हो जाता है, वो सिस्टम ओवरफिट हो जाता है. कि इतनी ज्यादा ट्रेनिंग भी, वो कहते हैं ना कि इतना ज्यादा मीठा भी ना डालें कि वो आपको बुरा लगना शुरू हो जाए. तो यहाँ पे आपने लेस नंबर ऑफ जो फीचर्स होंगे वो उसको देने पड़ेंगे, लेस नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपको सिस्टम को देने पड़ेंगे ताकि आपका सिस्टम जो है वो ओवरफिट ना हो सके. ओवरफिटिंग का मतलब यह है कि आप हद से ज्यादा उसको ट्रेन कर दो, यानी कि ट्रेनिंग भी आपने किसी लिमिट में करनी होती है. तो अब CNN का आर्किटेक्चर जल्दी जल्दी देख लेते हैं. As noted earlier, CNN primarily focus on the basis that the input will be comprised of images. This focuses the architecture to be set up in a way to best suit the need for dealing with the specific type of data. One of the key differences is that the neurons that the layers with the CNN are comprised of neurons organized into three dimensions. The special dimension, teen dimension kaun si hoti hai hamare paas? Height, width aur depth hoti hai. Height, width aur depth yahan pe agar hum dekhen to ye 28 kya hai, height hai, 28 width hai aur ye 1 iski jo hai wo width hai, depth hai. Agar yahan pe RGB image hoti to red, green and blue jo jisko hum kehte hain to uski depth 3 hoti. तो यहाँ पे हमारे पास ग्रे स्केल इमेज है तो इसकी डेप्थ जो है वो 1 है. द डेप्थ डज नॉट रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ लेयर्स विद इन द एएनएन बट द थर्ड डायमेंशन ऑफ द एक्टिवेशन वॉल्यूम, जिसकी हम जो मैंने अभी आपको बताया है कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एएनएन की नंबर ऑफ लेयर्स हैं, बल्कि ये थर्ड डायमेंशन होती है जो कि किसी इमेज को दी जाती है. अनलाइक स्टैंडर्ड एएनएनस, द न्यूरॉन्स विद इन एनी गिवन लेयर will only connect to a small region of the layers predicting it. In practice, this would mainly that for the example given earlier, the input volume will have a dimensionality of 64x64x3. जिस तरह हमने 64x64x3 को अगर कैलकुलेट करें तो ये क्या होता है, 64x64x3 तो ये 12,288 वेट्स बनते हैं जो कि आप यहाँ पे
देख चुके हैं। ये 64x64 की जो इमेज है 12288 वेट्स इसके बनते हैं। तो यहां पे क्या चीज हमने देखी है, हाइट, वेट्स और इसकी डेप्थ, लीडिंग टू ए फाइनल आउटपुट लेयर कंप्यूटराइज्ड ऑफ ए डाइमेंशनलिटी ऑफ 1/1/n, वेयर n रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल नंबर ऑफ क्लासेस एज वी वुड हैव कंसीडर्ड द फुल इनपुट डाइमेंशनलिटी इनटू ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ द क्लास स्कोर्स फाइल अक्रॉस द डेप्थ डायमेंशन। अब जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है हमारा वो क्या है, CNN is comprised of three types of layers, तीन लेयर्स इसकी बेसिकली होती हैं, ये आपको याद रखनी है ये चीजें। दीज आर कन्वोल्यूशनल लेयर्स, कूलिंग लेयर्स और फुली कनेक्टेड लेयर्स। बाकी लेयर्स इसकी हो सकती हैं, लेकिन जो इस आर्किटेक्चर को बनाने के लिए जो यूज होती हैं वो तीन बेसिक लेयर्स होती हैं, जो कन्वोल्यूशनल लेयर, कूलिंग लेयर और फुली कनेक्टेड लेयर्स। ये तीन लेयर्स होती हैं बेसिकली इसके आर्किटेक्चर को बनाने के लिए। When these layers are stacked, stack का मतलब क्या होता है? जिस तरह stack का आपने concept पढ़ा भी है, एक के ऊपर दूसरी चीज रखना, उसको हम stack कहते हैं। तो इन layers को जब stack किया जाता है, एक layer को दूसरी layer के ऊपर, a CNN architecture has been formed। ये CNN का जो architecture है, वो form होता है। A simplified CNN architecture for MNIST classification is illustrated in figure 2। इस figure में simple सा architecture बताया गया है, जिसमें convolutional है, ReLU एक layer होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होती है, कूलिंग लेयर होती है और फुली कनेक्टेड लेयर। ये आपका CNN आर्किटेक्चर बन गया है और इसकी जो आउटपुट्स हैं ये 9 क्लासेस हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया 0 से लेके 9 तक क्लासेस होंगी, क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं, यानी कि एक एक करके अगर हमें क्लासीफाई करना है उन कैरेक्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर आ जाता है, बैंक में आप जाते हैं, आपका जो कार्ड होता है स्वैप करते हैं, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, तो नंबर क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 88 88 12 22 है, तो 88 88 का मतलब क्या हुआ, पहले वो 8 को करेगा, फिर 8 को करेगा, फिर 8 को, फिर 8 को और 12, फिर 12, और अगर फिर 88 आता है तो 88 को दोबारा रिकॉग्नाइज करेगा सिस्टम। तो यानी कि हर जो आपका करेक्टर है, हर जो नंबर है, उसको इलादा इलादा हमने क्या करना है, रिकॉग्नाइज करवाना है। तो जो टोटल क्लासेस बनेंगी वो कितनी बनेगी, 0 से लेकर 9 तक ही करेक्टर्स होते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, CNN के जरिए ये चीजें फाइंड आउट करेंगे। The basic functionality of the example CNN above can be broken down into 4 key areas। 4 key areas हैं। एक इनपुट है, ये वाली इनपुट है, एक convolutional layer है, और फिर convolutional layer के अंदर which are the connected to the local region of the inputs through the calculation of the scalar product between their weights and region connected to the input volume, the rectified linear unit, commonly shortened टू ReLU, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाली जो लेयर है इसको हम ReLU कहते हैं, इसको रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट कहा जाता है। एम्स टू अप्लाई एन एलिमेंट वाइज एक्टिवेशन फंक्शन सच एज सिग्मोइड टू द आउटपुट ऑफ द एक्टिवेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रीवियस लेयर। ये जो लेयर होती है, ReLU लेयर जो होती है, ये कन्वोल्यूशनल से जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं उनको क्या करती है, ये सॉर्ट आउट करती है। इसकी जो आउटपुट होती है उसको सॉर्ट आउट करके वो आगे, इसमें कुछ फंक्शन भी यूज हो सकता है, जिस तरह सिग्मॉइड फंक्शन है फॉर एग्जांपल, ये फंक्शन भी यूज हो सकता है। द पूलिंग लेयर विल देन सिंपली परफॉर्म डाउन सैंपलिंग अलोंग द इनिशियल डाइमेंशनलिटी ऑफ द गिवन इनपुट्स, फर्दर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर्स विद इन दैट एक्टिवेशन। अब जो फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं विल देन परफॉर्म द सेम ड्यूटीज फाउंड इन द स्टैंडर्ड ANNs। जिस तरह स्टैंडर्ड जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उनमें जो फुली कनेक्टेड लेयर वहां पे जो काम करती है, सिंपली वो वही यहां पे काम कर रही होती है। इट इज आल्सो सजेस्टेड दैट ReLU मे बी यूज्ड बिटवीन दीज लेयर्स एज द इंप्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि इन लेयर्स के दौरान भी ReLU जो हमारा फंक्शन है उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिक ये है कि आपको सिंपल आर्किटेक्चर जो है उसका पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी क्लास जो है एल्गोरिथम्स की, उसमें सिर्फ एल्गोरिथम का आपको पता होना चाहिए कि ये काम किस तरह करता है, बाकी इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अगर, तो उनको मैं टोटली कैलकुलेशंस करके बताऊंगा कि जो नेक्स्ट लेयर में जब जाएंगे, क्योंकि वो भी उनके कोर्स में शामिल है ये चीजें, कि नेक्स्ट लेयर में जब जाएंगे तो किस तरीके से हमारी वैल्यूज जो है वो रिड्यूस होकर हम नेक्स्ट लेयर में जाते हैं, या फिर ReLU फंक्शन अप्लाई करेंगे तो पिछली जो इनपुट आ रही है वो कैसे ReLU जो है उसको चेंज करके नेक्स्ट लेयर को ये प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे एल्गोरिथम्स एनालिसिस के का जो कोर्स है उसमें हम सिंपली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर लेयरें कितनी होती हैं और किस तरीके से ये परफॉर्म करता है।
Through this simple method of transformation, CNNs are able to transform the original input layer by layer using the convolutional and downsampling techniques to produce class across for classification and regression purposes. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फीचर्स इसने बनाए हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये कुछ कैरेक्टर बने हुए नजर आ रहे हैं। जब ये फीचर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिकॉग्नाइज हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो ये आपको इसकी विजुलाइजेशन नजर आ रही है। However, it is important to note that simply understanding the overall architecture of the CNN architecture will not suffice. The creation and optimization of these models can take quite some time and can be quite confusing. We will now explore in detail individual layers. Har ek layer ko ab hum kya karenge? Ye pehle pura model humne dekh liya. Ab har layer ko kya karenge? Uski detail dekhenge ki har layer क्या डिटेल रखती है। अब कन्वोल्यूशनल जो लेयर है, as the name implies, the convolutional layer plays a vital role in how CNN operates. The layer's parameters focus around the use of the learnable kernels. These kernels are usually small in spatial dimensionality, but spread along the entirety of the depth of the input. When the data hits a convolutional layer, the layer convolves each filter across the spatial dimensionality of the input to produce a 2D activation map. These activation maps can be visualized as seen in the figure 3, जो आपने figure 3 में देख चुके हैं कि इस तरीके से वो जो first convolutional जो हमारी layer है उसकी visualization कुछ इस तरह से हुई है, उसने जो learning की है। As we glide through the input, the scalar product is calculated for each value in that kernel. Figure 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो pool vector, इसको वैसे जो है ना इसकी detail मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताऊंगा ये किस तरीके से ये वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। बहरहाल यहाँ पे इन इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। एवरी कर्नल विल हैव कोरिस्पोंडिंग एक्टिवेशन मैप ऑफ विच विल बी स्टैक्ड अलोंग द डेप्थ डाइमेंशंस टू फॉर्म द फुल आउटपुट वॉल्यूम फ्रॉम द कन्वोल्यूशनल लेयर। एज वी अल्यूडेड टू अर्लियर ट्रेनिंग एनएनएस ऑन इनपुट्स सच एज इमेजेस रिजल्ट्स इन मॉडल्स of which are too big to train effectively, this comes down to the fully connected manner of the standard NN neurons. So to mitigate against this, every neuron in a convolutional layer is only connected to a small region of the input volume. The dimensionality of this region is commonly referred to as the receptive field size. Isko hum kya kehte hain? Receptive field size kaha jata hai. Jo ke Dimensionality of this region is commonly, ये कौन सा region है कि neurons in the convolutional layer is only connected to a small region of the input volume, जो हमारी inputs होती हैं, small region की जो inputs हैं, inputs में जो small region है, उसको हम receptive field कहते हैं। The magnitude of the connectivity through the depth is nearly always equal to the depth of the input, जो हमारी magnitude of the connectivity through the depth की जो magnitude है connectivity की always equal to the depth of the input, जो हमारी input की depth होगी, जिस तरह हमारी input की depth अगर RGB image है, 3 आ रही है, तो ये RGB colored images with a dimensionality of 64x64, यानी कि ये height और width जो है, वो 64x64 है, जो हमारी depth है, वो क्या है, 3 बन रही है यहाँ पे, तो यही basically हमारी input होती है, so we set the receptor field size as 6x6, we would have a total of 10 weights on the each neuron. With the convolutional layer 6 × 6 × 3, where 3 is the magnitude connectivity across the depth of the volume. Agar hum 6x6 receptive field rakhte hain, to depth hamari phir bhi kya hogi? 3 hogi. To put this into receptive, a standard neurons seen in other forms of ANN would contain 12 to 88 weights each. Kis tarike se ye banenge? Maine aapko pehle bhi bataya hai. दोबारा बता देता हूं कि जो आपकी 64x64 की जो हाइट और वेथ है वो कैलकुलेट होगी इस तरह, और जरब हम देंगे इसके साथ जो आपकी डेप्थ है उसके साथ, तो ये 12 to 88 जो वेट्स बनते हैं ये इनपुट्स जाएंगे। कन्वोल्यूशनल लेयर्स आर आल्सो एबल टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल थ्रू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इट्स आउटपुट। These are optimized through
three hyperparameters, the depth, stride and zero padding. ये तीन चीजें होती हैं. इनको मैं फिर दोबारा यही रिपीट करूंगा कि इनको प्रैक्टिकली जो होगा वो मैं सॉल्व करवाऊंगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास होगी उसमें. यहाँ पे आपने सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि कौन कौन सी जो हाइपर पैरामीटर्स हैं, डेप्थ है, स्ट्राइड है और जीरो पैडिंग है. ये चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट होती है कन्वोल्यूशनल लेयर के लिए कि उसकी डायमेंशनलिटी को ज्यादा कम करने के लिए या फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाने के लिए, उसको ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीन चीजों को यूज करते हैं. द डेप्थ ऑफ द आउटपुट वॉल्यूम प्रोड्यूस बाय द कन्वोल्यूशनल लेयर कैन बी मैन्युअली सेट थ्रू द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स विद इन द लेयर. अब जो स्ट्राइड होता है, डेप्थ जो होती है, ये चीज होती है, उसकी डिटेल आपको मैंने भी बता दी है, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे. We are also able to define the stride in which we set the depth around the special dimensionality of the input in order to place the receptor field. For example, if you were to set. जी नदीम आप पूछ रहे हैं. सलाम अलैकुम सर. वालेकुम सलाम. अच्छा सर, कहना यह था कि आज इतना लाइट का इशू है और कोई छोटी सी बात की समझ नहीं आ रही, डिस्टर्शन इतनी है और पार्टिसिपेंट भी हमारे पास सिर्फ 20 है. जी जी, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था और हमें कुछ नहीं आई इसमें. अच्छा, इसको वीडियो अपनी सेव करवा देता हूं ताकि आप देख सकें. ठीक है सर. जी जी. तो ये जो और रियली इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको यही चीजें काम आएंगी वहां पे. बाकी जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं ठीक है, उसको समझना लाजमी है. तो जो आगे आपको काम आने वाली चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए मैंने एल्गोरिथम्स में रखी हैं, ये मैंने खुद से रखी हैं ये चीजें, ताकि आपको इसकी नो हाउ हो जाए. अगर नो हाउ भी हो जाती है तो नेक्स्ट जब आप जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप इजीली चीजों को पिक कर सकेंगे. तो इसलिए ये टॉपिक मैंने रखे हैं. सो वी आर ऑल्सो एबल टू डिफाइन स्ट्राइड इन विच वी सेट द डेप्थ अराउंड द स्पेशल डायमेंशनलिटी. तो ये स्ट्राइड की डेफिनेशन है, स्ट्राइड किस तरीके से काम करता है. अब जो जीरो पैडिंग होती है, जीरो पैडिंग मीन के आपके पास अगर यहाँ पे इनपुट है, इसको अगर आप पैडिंग जीरो करवाना चाहते हो तो एक जीरो पूरे जो है इसके ऊपर आप ओवरलैप कर लेंगे, यानी कि यहां से कॉलम भी बढ़ जाएगा और रो भी बढ़ जाएगी लेकिन सारे जीरो होंगे. तो इनपुट साइज जो आपका होगा, जिस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 by 6 है, तो आपका इनपुट साइज क्या हो जाएगा, यहां से जीरो स्टार्ट होंगे और यहां तक आएंगे, 1 यहां से बढ़ जाएगा, 1 यहां से बढ़ जाएगा, 1 यहां से और 1 यहां से, 8 by 8 की इनपुट हो जाएगी आप. तो जब आप जीरो पैडिंग करेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट थ्रू यूजिंग दीज टेक्निक्स वी विल आल्टर द स्पेशल डायमेंशनलिटी ऑफ द कन्वोल्यूशनल लेयर्स आउटपुट. टू कैलकुलेट दिस यू कैन मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, वी माइनस आर प्लस 2z ओवर एस प्लस 1, वेयर वी इज द रिप्रेजेंट्स द इनपुट वॉल्यूम साइज, हाइट, वेथ, डेप्थ. ये वॉल्यूम साइज है वी. आर क्या है, रिप्रेजेंट्स द रिसेप्टिव फील्ड साइज. रिसेप्टिव फील्ड साइज क्या है, आपके पास अगर यहाँ पे रिसेप्टिव फील्ड साइज 6 by 6 आ रहा है तो यहाँ पे 6 होगा. प्लस 2z, z इज द अमाउंट ऑफ जीरोस पैडिंग सेट. जीरोस पैडिंग सेट आपने क्या किया है, 1 का अगर जीरो पैडिंग सेट किया है जिस तरह मैंने अभी किया था, तो 2 × z जो होगा वो 1 आ जाएगा. और s रेफरिंग टू द स्ट्राइड, कितना आप स्ट्राइड रख रहे हैं उसमें, तो वो s आ जाएगा. अगर आप स्ट्राइड 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे इस फार्मूला में वो 1, 2 पुट कर देंगे. सो एज द न्यूरॉन्स विल बी अनएबल टू फिट नीटली अक्रॉस द गिवन इनपुट्स. अब डिस्पाइट अवर बेस्ट एफर्ट्स सो फार, वी विल स्टिल फाइंड दैट अवर मॉडल आर स्टिल एनॉर्मस इफ वी यूज एन इमेज इनपुट ऑफ एनी रियल डायमेंशनलिटी. हाउएवर मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड एज द ग्रेटली कर्टेल द ओवरऑल नंबर ऑफ द पैरामीटर्स विद इन द कन्वोल्यूशनल लेयर. अब पैरामीटर शेयरिंग क्या होती है, वर्क्स ऑन द असम्पशंस दैट इफ वन रीजन फीचर्स इज यूजफुल टू कंप्यूट एट द सेट स्पेशल रीजन, जो स्पेस स्पेशल रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो पैरामीटर शेयरिंग जो होती है देन इट इज लाइकली टू बी यूजफुल इन अनदर रीजन. अगर एक रीजन की जो स्पेशलिटी है वो क्या है, वो अगर सही तरीके से काम कर रही है, उसके फीचर्स जो हैं यूजफुल हैं, तो हम उन्हीं फीचर्स को अनदर रीजन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. इफ वी कंस्ट्रेन ईच इंडिविजुअल एक्टिवेशन मैप विद इन द आउटपुट वॉल्यूम टू द सेम वेट्स एंड बायस, then we will see the massive reduction in the number of parameters being produced by the convolutional layer.
तो यहाँ पे अब जो चीज देखने की है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एज द बैक प्रोपेगेशन स्टेज अकर्स, ईच न्यूरॉन इन द आउटपुट विल रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल ग्रेडियंट ऑफ व्हिच कैन बी टोटल अक्रॉस द डेप्थ, दस ओनली अपडेटिंग अ सिंगल सेट ऑफ वेट्स एज अपोज्ड टू एवरी सिंगल वन. अब जो दूसरी लेयर है, पहली जो हमारी लेयर है वो कौन सी है, कन्वोल्यूशनल लेयर है, उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है वो किस तरीके से काम करती है. अब जो कूलिंग लेयर है वो किस तरीके से काम करती है, कूलिंग लेयर एम्स टू ग्रेजुअली रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ द रिसेप्शंस एंड दस फर्दर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल. जो आपकी कूलिंग लेयर है वो क्या करती है, फर्दर जो आपकी इनपुट पीछे से आ रही है 28x28 उसको फर्दर क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है. द कूलिंग लेयर ऑपरेट्स ओवर ईच एक्टिवेशन मैप इन द इनपुट एंड स्केल्स इट्स डायमेंशनलिटी यूजिंग द मैक्स फंक्शन. In most CNN, these come in the form of max pooling layer with kernel size dimensionality of 2x2. For example, हम max pooling की अगर बात करते हैं, इसकी मैं example आपको दे देता हूँ. अगर हमारे पास एक input है, मैं कहता हूँ 2x2 input है. इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, यानी कि ये चार फीचर्स जो अगर इमेज के हैं, तो इसमें से मैक्स पूल अगर मैं करूंगा तो मैक्स पूल का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नेक्स्ट लेयर में जाएगी. मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो मैक्स पूलिंग में मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या जाएगी, ये मैक्स पूलिंग की मैं बात कर रहा हूँ. और जो मिन पूल एक और चीज होती है, मिन पूल में 1 जो है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है, तो मिन पूलिंग में क्या होगी, 1 आगे जाएगी. ये मिन पूल की मैं बात कर रहा हूं. तो यहां पे जो यूज हुआ है मैक्स पूल यूज हुआ है. अगर मैक्स पूल इस इमेज से हम निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 होगी. अगर मिन पूल यहां पे अप्लाई करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. तो बस यही चीज देखनी है. ये 2x2 का जो है वो क्या है, ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द पूलिंग लेयर there are only two generally observed methods of max pooling. Usually the stride and filters of the pooling layer are both set to 2x2. ab ye 2x2 pooling maine ki aapke samne. Ab furthermore overlapping pooling may be utilized. There the stride is set to 2 with a kernel size set to 3. is cheez ko itni detail mein jane ki zarurat nahi hai. It is also important to understand that the beyond max pooling CNN architecture may contain general pooling. General pooling layer are comprised of pooling regions, pooling neurons that are able to perform a multitude of common operations including L1 and L2 normalization. ये normalization की form है, इनको भी ज़्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है. And the average pooling. Average pooling भी एक technique होती है जिसमें जो चार values मैंने आपको दी हैं इनका average निकाल दिया जाता है. However, this tutorial will primarily focus on the use of the max pooling. ये जो tutorial है इसमें जो आपके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए मैक्स पूलिंग को समझना लाजमी है कि मैक्स पूलिंग जो होती है वो इस तरीके से काम करती है. अब फुली कनेक्टेड लेयर, द फुली कनेक्टेड लेयर कंटेन्स न्यूरॉन्स ऑफ विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द न्यूरॉन्स इन द टू एडजेसेंट लेयर्स विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू एनी लेयर्स विद इन देम. दिस इज एनालॉजियस टू वे दैट न्यूरॉन्स आर अरेंज इन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एन. ये सिंपली जो फुली कनेक्टेड लेयर होती है, अगर यहाँ पे फुली कनेक्टेड में अप्लाई इस पे करना चाहता हूँ इस चीज पे, तो फुली कनेक्टेड लेयर में क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 1, ये आपकी फुली कनेक्टेड लेयर होगी जो कि आउटपुट लेयर को जाएगी. अब ये डिस्पाइट द रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ लेयर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सीएनएन, देयर इज नो सेट वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग ए सीएनएन आर्किटेक्चर. द बीइंग सेड, इट वुड बी आइडियोटिक टू सिंपली थ्रो ए फ्यू ऑफ लेयर्स टूगेदर and expect it to work. Through reading of related literature, it is obvious that much like other forms of ANN, CNN tend to follow a common architecture. This common architecture is illustrated in figure 2. वो आपको मैंने दिखा दिया है. वो simple जो CNN का architecture है, वो क्या है? CNN layer है आपकी, pooling layer है आपकी, और fully connected layer है, और फिर output classification layer है. ये simple architecture है, 4 layers. यानी कि 3 layers इसमें बहुत important है CNN के architecture में. एक आपकी कन्वोल्यूशनल लेयर, दूसरी आपकी पूलिंग लेयर जिसमें मैक्स पूलिंग हम यूज करें या मेन पूल यूज करें,
और तीसरी जो लेयर है वो फुली कनेक्टेड लेयर है. वेयर कन्वोल्यूशनल लेयर्स आर स्टैक्ड फॉलोड बाय पूलिंग लेयर्स इन ए रिपीटेड मैनर बिफोर फीडिंग फॉरवर्ड टू द फुली कनेक्टेड लेयर. अब यहाँ पे कॉमन आर्किटेक्चर CNN का दिया हुआ है. इनपुट है कन्वोल्यूशनल है, रेलू इसमें यूज हुई है. रेलू का मैंने आपको बताया कि रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट इसको कहा जाता है. ये पूलिंग लेयर फिर यहाँ पे यूज हुई है, फिर दोबारा कन्वोल्यूशनल यूज हुई है, फिर उसके बाद रेलू यूज हुई है और फिर पूलिंग यूज हुई है और फिर यहाँ पे कन्वोल्यूशन एक और यूज हुई है और उसके बाद फिर रेलू यहाँ पे यूज नहीं हुई है, पूलिंग यूज की है और फिर फुली कनेक्टेड यूज की. ये दो फुली कनेक्टेड है उसमें और ये आउटपुट लेयर आपको दिखाई दे रही है. सिंपली आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर अगर आपसे पूछा जाए इसका आर्किटेक्चर क्या है, ये इनपुट है, तीन कन्वोल्यूशन इसमें यूज हुई है, दो रेलू यूज हुई है. रेलू यानी कि रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है, ये सिंपली उसकी आउटपुट को ठीक करने के लिए यूज होता है. बेसिक जो हमारी लेयर्स हैं वो कितनी है, कन्वोल्यूशन तीन यूज हुई है, पूलिंग तीन यूज हुई है, फुली कनेक्टेड दो यूज हुई है और फिर एक क्लासिफिकेशन लेयर यूज हुई है. तो ये सिंपल आर्किटेक्चर है. तो ये इसी की डिटेल है, ये किस तरीके से यूज हुई है. अब अगर हम यहां पे देखें, इट इज आल्सो एडवाइज टू स्प्लिट लार्ज कन्वोल्यूशनल लेयर अप इनटू मेनी स्मॉलर साइज कन्वोल्यूशनल लेयर्स. दिस इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी विद इन अ गिवन कन्वोल्यूशनल लेयर. फॉर एग्जांपल, इफ यू वर टू स्टैक थ्री कन्वोल्यूशनल लेयर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर विद अ रिसेप्टिव फील्ड ऑफ 3x3, ईच न्यूरॉन ऑफ द फर्स्ट कन्वोल्यूशनल लेयर विल हैव अ 3x3 व्यू ऑफ द इनपुट वेक्टर. ए न्यूरॉन ऑन द सेकंड कन्वोल्यूशनल लेयर विल देन हैव 5x5 व्यू ऑफ द इनपुट vector, and neuron on the third convolutional layer will then have a 7x7 view of. Iski zyada detail mein jane ki aapko zarurat nahi. As these stacks features non-linearities, which in turn allow us to express stronger features of the input with fewer parameters. However, it is important to understand that this does come with a distinct memory allocation problems, especially when making use of the backpropagation algorithms. The input layer should be recursively divisible by two common numbers in the include 32x32, 64x64, 96x96, 128x128, 224x24. ये input layer recursively divisible by two हो सकती हैं. यानी कि 32 का division अगर करें दो के साथ तो 16x16 आएगा, तो 64 का करें 32x32 आएगा. यानी कि इसको अगर हम यहाँ से देखें तो 224x224 को divide करेंगे तो जो हमारा अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो जो हमारा आउटपुट आती है वो हमारी नेक्स्ट जो हमारी होगी कन्वोल्यूशनल लेयर उसकी इनपुट होगी और बाकी पैरामीटर्स भी इसमें देखे जाते हैं, लेकिन इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. व्हाइल यूजिंग स्मॉल फिल्टर्स सेट ट्राई टू वन एंड मेक यूज ऑफ द जीरो पेडिंग. जीरो पेडिंग की मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी है कि जीरो पेडिंग किस तरह ली जाती है. एज टू इंश्योर दैट द कन्वोल्यूशनल लेयर डू नॉट reconfigure any of the dimensionality of the inputs, the amount of zero padding to be used should be calculated by taking one way from the receptive field size and dividing by two activations. CNN are extremely powerful machine learning algorithms, however they can be horrendously resource heavy. An example of this problem could be in filtering a large image. Anything over 128x128 could be considered a large. अगर हमारे पास एक इमेज है 128x128 की, so if the input is 227x227 as seen with the ImageNet. ImageNet basically क्या है? ये भी एक डेटा सेट है. उसकी डायमेंशनलिटी जो है उसकी इमेजेस की 227x227 है. एंड वी आर फिल्टरिंग विद 64 कर्नल्स. अगर 64 कर्नल्स के साथ हम उसको फिल्टर करते हैं तो जीरो पैडिंग के साथ, तो रिजल्ट विल बी 3 एक्टिवेशन वेक्टर्स ऑफ 227x227 × 64 आएगा, विच कैलकुलेट्स to roughly 10 million activations. जो activations बनती हैं वो कितनी बनती हैं? 10 million बनती हैं. अगर यहाँ पे देखें 227x227x64 तो ये about यानी कि 3 million ये बता रहा है. तो इसके साथ अगर मुख्तलिफ किस्म के जो वेट्स हैं वो ऐड किया जाए, 64 कर्नल्स हैं, ये हमारे पास जो आउटपुट बनी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट ये 10 million activations जो होंगी इसमें रफली यूज होंगी. लेकिन जो हमारे फीचर्स बने हैं वो 3
मिलियन 32 लैक्स के करीब बने हैं और एन एनॉर्मस 70 मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी पर इमेज। हर इमेज का जो मेमोरी अगर कंज्यूम कर रही है वो कितनी कर रही है, 70 मेगाबाइट। ये ह्यूज मेमोरी है जो कि यूज कर रही है। इन दिस केस यू हैव टू ऑपरेशंस। फर्स्टली यू कैन रिड्यूस द स्पेशल डायमेंशनलिटी ऑफ द इनपुट इमेज बाय रीसाइजिंग द रॉ इमेज टू स्मूथिंग ए लिटिल लेस हैवी। अल्टरनेटिवली यू कैन गो अगेंस्ट एवरीथिंग वी स्टेटेड अर्लियर इन द डॉक्यूमेंट एंड ऑप्ट फॉर द लार्जर फिल्टर साइज विद द लार्जर स्ट्राइड। यानी कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो या तो आप इमेज का साइज जो है वो पहले से ही रिड्यूस कर दो रॉ जो इमेजेस हैं हमारे पास, या फिर फिल्टर्स और जो स्ट्राइड हमारे हैं उनको इस तरह यूज करो कि अगर ज्यादा स्ट्राइड यूज करोगे तो इमेज का साइज ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेयर के लिए क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इन एडिशन टू ए फ्यू रूल्स ऑफ थम्स आउटलाइन अबाउ, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज ए फ्यू ट्रिक्स अबाउट जनरलाइज्ड एन एन training techniques. The author suggests a read of Geoffrey Hinton's excellent practical guide to training restricted Boltzmann machine. ये एक author हैं Geoffrey Hinton. इस बंदे ने अगर देखा जाए तो ये जो new deep learning जो techniques हैं इसमें बहुत ज्यादा काम, ये बंदा है जेफरी हिंटन। ये इसकी आप पब्लिकेशंस और इसकी कुछ जो डीप लर्निंग के बारे में राइटिंग है उसको आप फ्यूचर में अगर पढ़ना चाहें तो इस बंदे को आप, मैं रिकमेंड करूंगा। इसको आप फादर ऑफ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग जो भी आप कहना चाहें इसको आप कह सकते हैं इस बंदे को, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है इस फील्ड में जो हम CNN वगैरह पढ़ रहे हैं। या इसने जो मॉडल बनाया था वो था डीप बिलीफ नेटवर्क के नाम से, DBN, उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में। तो ये इसी बंदे ने बनाया था जेफरी हिंटन ने। और अगर और इसकी कुछ चीजें देखी जाएं CNN में, इसके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफी काम किया है जो कि न्यू मॉडल बनाए हैं लीनेट या इस तरह के जो मॉडल्स हैं, एलेक्स नेट जो है जो बनाया है CNN का जो मॉडल है वो, यानी कि इन्हीं के काम से मुतासर होके लोगों ने फिर आगे फर्दर जो डेवलपमेंट की है रिसर्च में वो इसी बंदे के काम से मुतासर होके किया। और कुछ काफी सारे इनके स्टूडेंट्स हैं, मुझे अब नाम इनके याद नहीं है, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया इस फील्ड में। अब जो उसका कंक्लूजन है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क डिफर्स टू अदर फॉर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये बात आपको तो समझ आ गई होगी कि कन्वोल्यूशनल जो न्यूरल नेटवर्क है वो डिफर थोड़ा सा करता है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैं हमारे उनसे, इन दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द entirely of the problem domain knowledge about the specific type of inputs exploited. ये चीज हमने देखी है कि जो convolutional neural network है ये basically क्या करता है, focus करता है जो हमारी inputs होती हैं problem domain को पहले देखता है, यानी कि जो हमारी image के problems हैं उनको domains को हमने देख के उसको specific type of inputs हमने दिए। So this is turn allows for a much simpler network architecture to be set up. This paper has outlined the basic concept of convolutional neural network, explaining the layers required to build one and detailing how best to structure the network in most image analysis tasks. आप अगर future में अगर यही काम करना चाहते हैं, images पे ही काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये paper जो होगा, ये paper basically किसी image को सिर्फ inputs हमने देखी हैं कि inputs किस तरह दी जाती हैं, image की example ली गई है, बाकी हमने कोई results नहीं देखे कि कौन से रिजल्ट्स हमें जनरेट कर रहा है ये सिस्टम। ये वाला पेपर जो है इसमें सिंपल न्यूरल नेटवर्क को और सिंपल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को बताया गया है कि उसकी लेयर्स किस तरह काम करती हैं, उनकी डेफिनेशंस बताई गई हैं उनमें, जो मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो कन्वोल्यूशन CNN जो होता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो होता है उसमें तीन बेसिक लेयर्स होती हैं जो इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स आप कह लें कि इसको बिल्ड करने के लिए जो यूज होती हैं, एक आपकी कन्वोल्यूशनल लेयर होती है, एक आपके पास पूलिंग लेयर होती है, पूलिंग में आप मैक्स पूल करें, एवरेज पूल करें या फिर मिन पूल यूज करें वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो चीज है जो यहाँ पे समझने की है कि कन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर और फिर फुली कनेक्टेड लेयर। फुली कनेक्टेड लेयर की भी मैंने एग्जाम्पल दी है कि आपके पास जो फाइनल आउटपुट आ रही होती है, फॉर एग्जाम्पल 10x10 की आउटपुट आपके पास आ रही है,
तो वो फुली कनेक्टेड लेयर को देंगे तो वो पूरा 100 का वेक्टर बना देगा, 10x10 को वो मल्टीप्लाई करके 10x10 को वो कॉलम्स में कन्वर्ट कर देगा या फिर रोज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज होंगी उनको एक वेक्टर की फॉर्म में लिख देगा। तो ये तीन जो बेसिक लेयर्स हैं, कन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर और फुली कनेक्टेड लेयर, ये तीनों लेयर्स जो हमारे पास हैं ये करामत हैं इसके लिए। हमारा जो कन्वोल्यूशनल जो लेयर होती है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है उसको बिल्ड करने के लिए।